लड़की के जाल में फंस के कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की, हमेशा हर चीज उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सजा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ कर दें, और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़के लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ताकि जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की जिंदगी बर्बाद ना हो। ये आयुष है, आयुष कौशल, उत्तर प्रदेश में मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर का बेटा। आयुष अपने माता पिता से किस बात की माफ़ी मांग रहा है, अगर ये अभी तक आप नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। दरअसल आयुष पिछले कुछ दिनों से इसलिए चर्चा में है क्योंकि उसके ऊपर गोली चली थी। उसके ऊपर गोली चलने की कहानी सामने आई तो लखनऊ पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, और उसके बाद से कहानी लगातार बदलती और उलझती जा रही है। आयुष पर आरोप लगा है कि उसने अपने ऊपर खुद गोली चलवाई थी, लेकिन बाद में ये कहानी भी बदल गई। खैर अभी नई कहानी सुनिए। आयुष का ये वीडियो कहानी का ताज़ा तरीन हिस्सा है। उसने कहा है कि उसे जाल में फंसाया गया है, हनी ट्रैप के जरिए उसे फंसाया गया और फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। उधर आयुष की मां ने कहा है कि उसकी शादी के बाद उन्होंने बेटे से रिश्ता तोड़ लिया था। अब जरा आयुष की माँ को भी सुन लीजिए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह उसको फंसाया? देखो हम ये कहना चाहते हैं कि आज मेरा बेटा, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मेरे बेटे को उसने फंसाया। मेरे सांसद जी कोरोना में थे, हम लोग उसी में सारा घर लगे रहे, और मेरा बेटा आता था देख करके चला जाता था, तो मैंने कहा कहीं दोस्तों मित्रों के यहाँ रुकता था। मगर उस लड़की, मेरे बच्चे की 19 साल की उम्र है, उस लड़की की 25-26 साल की उम्र है, तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा, और इसी इसके बेटे को चुंगल में फंसा लेंगे तो मैं कल कदा इनकी बहू बन के रहेंगी। जब शादी ना हुआ ना ब्याह हुआ तो किस चीज़ की मेरी बहू, किस चीज़ की मेरी बहू? तो हम ये कहना चाहते हैं अब जो हुआ, अब हम लोग तो दुखी अपने बच्चे से है ही हैं। क्यों इतनी तेज तर्रार महिला है कि आप लोग उसके बयान देखा होगा, हर जाके मीडिया वालों से जाके घुस घुस करके अपने मीडिया वालों से हम लोगों को बदनाम किया कि मेरे वो जो हैं सांसद और विधायक तो हैं तो इस तरह का काम किया, हम वहीं की जायदाद प्रॉपर्टी लेंगे। और जब भाई मेरे सामने ना शादी हुई ना ब्याह हुआ ना कुछ है, मेरे बेटे को फंसाया गया, 3 साल की मेरे बेटे की उम्र है और इस तरह की उस महिला ने फंसाया है, और जबकि उसकी अभी छानबीन तो हो रही है, उसकी शादी भी हो चुकी है, उसका बच्चा भी है, अभी आगे जाके अभी देखिए, अब तो छानबीन शुरू हुई, अभी देखिए क्या क्या होता है। बहरहाल आयुष ने कहा है कि वह लखनऊ आकर पुलिस को जांच में सहयोग करेगा, लेकिन शर्त रखी है कि उसकी पत्नी अंकिता से भी पूछताछ हो। उसने आरोप लगाया है कि उसे मारने की कोशिश की गई है, अंकिता उसे खाना के साथ नशा देती थी। आयुष के मुताबिक 7 महीने पहले अंकिता से उसकी मुलाकात हुई थी, यानी लॉकडाउन के दरमियान। उसके बाद उसने शादी का दबाव बनाया। आयुष ने कहा कि मैं उसके प्यार में पागल था, इसलिए घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने शादी कर ली। उधर अंकिता का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह स्कूटी से थाने में आती हुई दिख रही है। अंकिता का दावा है कि उसके बीच छोटे मोटे विवाद तो थे, पर आयुष घर वालों के दबाव में उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। दरअसल मरियाओ कोतवाली थाना क्षेत्र के इलाके में सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर फायरिंग हुई थी। बाद में इस मामले में आयुष के साले आदर्श को पुलिस ने साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि आयुष ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए साले से खुद पर गोली चलवाई। आदर्श को पुलिस ने जेल भेज दिया था, जबकि आयुष अभी तक फरार है। इस बीच एक और कहानी सामने आई है कि आयुष ने चंदन गुप्ता नाम के एक शख्स को फंसाने की साजिश रची थी। चंदन गुप्ता का एक वीडियो भी सामने आया है। चंदन का आरोप है कि आयुष ने खुद सांसद का बेटा होने का रौब दिखाकर गाड़ी लेने के लिए उससे 4,70,000 रुपये लिए और 53,000 रुपये आईफोन के लिए अलग से लिए थे, लेकिन अब जब वह पैसे मांग रहा है तो उसे फंसाने की धमकी दी जा रही है।